सभा में कांग्रेस सरकार का पहला बजट पेश होने से पहले बूंदी जिले की जनता को राजस्थान सरकार से कई आशाएं थी। इस बजट में बूंदी जिले का विकास होगा, लेकिन गहलोत सरकार ने केवल हिंडौली विधानसभा को दो सौगातें देकर ही इतिश्री कर ली। बूंदी विधानसभा और केशवरायपाटन विधानसभा के साथ साथ सौतेला व्यवहार किया जाने से केशवरायपाटन विधानसभा के विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने इस बजट को गहलोत सरकार के मंत्रियों का बजट बताया। तो वहीं राजस्थान में बूंदी के लाखेरी कस्बे की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल के रवैये से अध्यापक और कर्मचारी परेशान हैं। शिक्षकों का कहना है कि प्रधानाचार्य रामप्रसाद नागर मनमानी करते हैं। स्कूल के स्टाफ के लिए उनका व्यवहार असामान्य होता जा रहा है और अभद्रता करने पर भी वो उतारू हो जाते हैं, लिहाजा स्कूल प्रधानाध्यापक की मनमानी सभी पर भारी पड़ रही है। की संख्या 35 से अबो है, जिसमें दो पंखे लगे हुए हैं। कल मैंने प्रधानाचार्य जी से रिक्वेस्ट की कि इसमें दो पंखे और लगवाए जाएं, तो प्रधानाचार्य जी ने कहा कि पंखे नहीं हैं। तो मैंने कहा स्टोर रूम में, जो स्टोर रूम हमारा 6 महीने से बंद पड़ा है, उसकी अंदर दो पंखे हैं, वो खोल के कक्षा 9 में लगवा दिए जाएँ तो कैसा रहेगा। तो हमारे प्रधानाचार्य जी ने हाँ कर दी और उनके कहने से मैंने लाइट का मिस्त्री बुलाकर पंखे लगवाने लगा। तब बदतमीजी की प्रधानाचार्य जी ने। हमारे विद्यालय में संकाय परिवर्तन है तो एक आदेश जारी हुआ था दिनांक 4/7/2019 को, जिसमें कला की जगह पर साइंस को खोला गया था। इस संबंध में हमने प्रधानाचार्य को आदेश ज्ञापन करवा दिया था। उनके ज्ञात होने के बाद हमने कहा हमें रिलीव कर दिया जाए। उन्होंने शनिवार का बुलाना दिया, अगले दिन रिलीव कर देंगे। फिर अगले दिन बात करी तब उन्होंने ये कहा कि हम पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर इस ऑर्डर को वापस परिवर्तित करवा लाएंगे। सोमवार का समय दिया हमें, हम सोमवार तक रुके। सोमवार को फिर हमने चर्चा करी तो हमें मना कर दिया, 2 दिन और रुको। 2 दिन रुक गए, आज बुधवार है। बुधवार को जब हम रिलीव करने के लिए कहा तो वो बैग उठाकर चुपचाप स्कूल से निकल गए।